ओम शांति। जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वे विकर्मों से बच जाते हैं। इसलिए कहा, जब बाबा के बनते हैं ना, तो हमें चित्त में होता है क्या कि हमसे विकर्म हुए हैं, तो हमारी नजर सिर्फ बाप पर होती है, फिर हम किसी को नहीं देखते हैं, तो याद बड़ी गहरी होती है। इसलिए कहा जाता है, बचपन के दिन नहीं भूलना। जब बाबा के बने तब आपका चिंतन कैसा था? तो चिंतन में ये था कि मुझसे बहुत विकर्म हुए हैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेगा? क्या भगवान की नजर पढ़ने के लायक मैं बन गई आत्मा, कि भगवान की नजर मुझ पर पड़ी? आज तो हम सोच लेते हैं ना कि भगवान तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, भगवान हमसे नाराज है। अपने आप से पूछो, आपने क्या कर्म किए? कुछ तो ऐसे कर्म किए ना जो आपको ये भासना आ रही है कि उसका प्यार अनुभव नहीं हो रहा है। कर्मों पर अटेंशन दो, सच्चे रहो। जो सच्चा रहता है वो समीप जरूर होता है, और जो सच्चा नहीं होता वो समीप नहीं होता। अभी सच्चे रहने को कोई ये कह दे कि अरे ये तो सारी बातें बताते हैं, तो कोई आपकी नहीं बता पाएगा। अपनी बताएगा तो आपकी बता पाएगा। जो अपनी ना बताए वो आपकी क्या बताएगा? तो पहले तो उससे यही पूछा जाएगा, पहले तो तुम अपना चाट दो। नहीं तो हमने क्या प्रतिज्ञा की? हम सच्चाई सफाई के साथ भगवान के साथ रहेंगे, विकारों को वापिस अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिनके कारण हम पतित बने। बने ना, पांच भूत समझते हो? ये कोई कम वो नहीं है, वो धोखेबाज है, वो धोखा देते हैं, घड़ी घड़ी आ जाते हैं। और जहां हमने बाबा से प्रतिज्ञा की होती है कि हम इनको यूज नहीं करेंगे, वापिस उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो विकर्म नहीं होंगे क्या? होंगे ना। ओम शांति।